आज तो बहुत बहुत उम्दा देने अल्लाह के फजलो करम से क्या महफिल जमी हुई है आज सियालकोट में। और मेरे दिल से पूछो तो भाई सियालकोट जो है ना, सियालकोट ये बावफा लोगों का शहर है, बड़े बहादुर और वफादार लोग हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं वाकईतन बावफा लोगों का शहर है सियालकोट। और सियालकोट का नाम पूरे बड़े सगीर में गूंजता है, क्या पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान, सियालकोट हर जगह पे अपनी एक पहचान रखता है। और फिर देखें कि अगर मैंने सियालकोट को कहा है कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, तो सबसे बड़ा बावफा तो ये खड़ा है मेरे साथ, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। अभी इसने कहा कि मेरा 25 साल या 30 साल का ताल्लुक है, भाई 34 साल का ताल्लुक नहीं है, सुन ले, ये 34 साल का ताल्लुक नहीं है, ये पिछले 50 साल का ताल्लुक है, 50 साल का, बल्कि 55 साल का। 55 जानते हैं ना कितना होता है, 55, 55। मेरे साथ ये कॉलेज में था, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, फिर फोर्थ ईयर में थे, हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उस वक्त से ख्वाजा साहब मेरे साथ अपना ताल्लुक निभा रहे हैं और मुझे फख्र है ख्वाजा साहब पे और इनके वालिद मोहतरम पे, जिन्होंने मेरी सियासी ट्रेनिंग की और मुझे बड़ा प्यार करते थे। और आज भी मुझे वो वक्त याद है।